पंडित यहाँ है या मेरे साथ जो गुरु पूर्णिमा में थे वो लोग यहाँ है। तो गुरु जी को मैंने कहा था कि प्रभु पहले दिन गुरु जी आए और कहा जोशी कैसा चल रहा है। बोला बहुत अच्छा चल रहा है प्रभु। तो उन्हें कहा कि अरे मैंने सुना है तेरे पास सब काम करने वाले 450 लोग काम कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ गुरु जी, 450 लोगों को पहले यही इंस्ट्रक्शन दिया हूँ गुरु जी कि कोई उनके मामा दादा पापा लेकर आपके पास ना आए और केवल जहाँ उनको खड़ा किया हूँ वहीं रहे। लेकिन इससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि वे आपके एक बार आपको नमस्कार करके जाए और आपकी बात सुनकर जाए। मैं तो गुरु जी ने कहा बुला ले एक छोटे से मीटिंग में। मैं उन 450 लोगों को बुला लिया हूँ। गुरु जी बैठे हुए थे तो गुरु जी ने कहा कि इन सभी लोगों को क्या चाहिए गुरु जोशी, इन सभी लोगों को क्या चाहिए। मैंने कहा कुछ नहीं गुरु जी, आपके चरणों के फूल चाहिए। उन्हीं के हाथों से मैंने उनके चरणों में फूल चढ़ाए। ये बात अच्छी तरह अगर उस समय मेरे साथ जो भी थे उनको अच्छी तरह पता है कि गुरु जी के चरणों में फूल चढ़ाया हूँ और वो फूल उनको लेकर कहा हो यही तुम्हारा प्रसाद है, यही गुरु पूर्णिमा का प्रसाद है, तुम अपने पास रखो। और 1997 की गुरु पूर्णिमा एक याददाश्त है, ये स्वयं गुरु जी ने कहा, मैंने नहीं कहा। क्योंकि गुरु जी के इस संजीवनी पादुकाओं में या गुरु जी के पादुकाओं में जो केवल उनके स्पर्श मात्र से, जैसे पारद का किसी मेटल से सने के बाद वो सोना बन जाता है, वैसे गुरु जी को स्पर्श मात्र से हम भी सोना बनते हैं। वे केवल दीक्षा देकर नहीं, उनका स्पर्श ही हमारे लिए स्वर्ण बना देता है। ऐसे इन संजीवनी पादुकाओं पर आप कहीं भी जाओ, गाणगापुर के दत्तात्रेय जी हो और कहीं गुरुओं के स्थितियों में जाओ जहाँ पादुकाएं ही रहती है और उन पादुकाओं के ऊपर हमारा अगर हम मत्था टेकते हैं तो हमारी इच्छाएं पूर्ण होती है। गुरु एक संजीवनी होता है इस संसार में और उसकी उनकी पादुकाओं पर चढ़ाया हुआ फूल या उनकी पादुकाओं पर रखा हुआ मस्तक अपने जीवन में एक श्रेष्ठता प्रदान करता है। मैं चाहता हूँ कि आपको भी इसका उपयोग करें। आज इन संजीवनी पादुकाओं पर जो मैंने फूल चढ़ाए हैं वो आपको प्राप्त हो। मैं सिर्फ हमारे यहाँ के लोग तुम्हारे ऊपर फूल दे देंगे, आप वो फूल आपके पास श्रद्धा के साथ फेंक देते हैं तो नहीं देता, इसको श्रद्धा के साथ आपके पास रखकर आप चमत्कार देखो, आपके जीवन में असंभव कार्य भी संभव होने लगते हैं। ये गुरुपादुका दिन का गुरु पूर्णिमा का एक श्रेष्ठतम प्रक्रिया है। आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप बैठे हुए इस कार्यक्रम को करें। अब आगे के कार्यक्रम में एक तो 25 साल गुरु जी के महाप्रयाण का जो सिद्धाश्रम पहुंचे हमारे लिए आनंददायक ही क्षण है। लोगों के लिए हो सकता है कि गुरु जी सशरीर हम यहाँ से बिछड़े या कुछ भी हुए हम इसके बाद में नहीं कह सकते, लेकिन ये सशरीर बिछड़े नहीं, सशरीर हमारे से आत्मा बनकर वो वायु में प्रकल्पित हुए। तब शरीर में बंधे हुए थे, अब शरीर से छोड़कर वायु में या इस पंचमहाभूतों में लीन होकर हर क्षण हमारी बातें, हमारे वचन, हमारे पुकार, हमारी प्रार्थना उन तक पहुँचती है और वो पुकार अगर उनको पहुँचती है तो वो यहाँ किसी भी रूप में यहाँ आ सकते हैं। मैं उन गुरुचरणों को प्रणाम करता हुआ, नमस्कार करता हुआ आज उनके इस गुरु पूर्णिमा पर्व पर सारे गुरुमंडल को याद रखते हुए, ये हमारी प्रथा नहीं है फिर भी प्रसाद के रूप में आपको केक कट करने का यह कार्यक्रम अभी हम संपन्न करेंगे। उसके बाद मैं आरती संपन्न करवाऊंगा और उसके बाद आपको फिर जो कार्यक्रम है आगे का कार्यक्रम बताऊंगा जो विशेष रूप से आपके लिए है। मैंने कल भी कहा, परसों भी कहा और आज भी कह रहा हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से खाली हाथ जाने नहीं दूंगा। अगली पूर्णिमा में आप ये कह के मेरे पास आए कि गुरु जी हमारा यह वर्ष बहुत सुंदर बीता, अगली गुरु पूर्णिमा तक ये बात आप कहें तो ही मैं यहाँ गुरु पूर्णिमा करने का या गुरु पूर्णिमा का इस कार्यक्रम करने का कोई मतलब रहा और आप यहाँ आने का मतलब रहा। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसा ही कार्यक्रम हो। पहले अभी केक कट करने का कार्यक्रम करेंगे। मैं चाहता हूँ कि ये पुष्प केक कट करने के बाद पुष्प आप तक पहुँच जाएंगे। आप पुष्प भक्ति के साथ आपके पर्स में या आपके घर में या आपकी तिजोरी में रखकर देखो, आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी। मैं चाहता हूं कि ऐसा कार्यक्रम हो। बोलो परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय।